उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आया है और उस पर हम सब बातें कर रहे हैं जो कटौती प्रस्ताव के रूप में है। महोदय, महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीर को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम गंदगी को दूर करके भारत मां की सेवा करें। महोदय, भारत की सरकार ने भी एक अलग से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को स्थापित किया 13 जुलाई 2011 को, लेकिन उस समय से आज तक जितनी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए था भारत की सरकार ने नहीं ली, और यही कारण है कि आज लगभग 68 वर्ष आजादी के बाद भी भारत में हम स्वच्छता के लिए और शुद्ध पेयजल के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तरसने का काम कर रहे हैं। महोदय, हमें इस बात को स्वीकार भी करते हैं और यह कहते भी हैं कि जल ही जीवन है, और यह भी आज यह चर्चाएं हैं कि जल के लिए ही विश्व युद्ध हो सकता है, ऐसा संकेत भी आ रहा है। महोदय, आज भी शौचालय एक प्रमुख समस्याएं हैं और खास करके पूरे देश के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके ज्यादा कठिनाई है। और आज भी संध्या में महिलाएं, भारत की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आज अंधेरा हो इसका इंतजार करते रहती है और उन्हें शौच जाना रहता है, तो इसकी कठिनाई को झेलने का काम आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अधिकांश रूप से करने का काम करती है। महोदय, जहां तक के हमें स्वच्छता की बात है, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इसके लिए एक सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। महोदय, एक साधारण शुरुआत नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन, एक मिशन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री रखा है कि हम 2019 तक, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक हम पूरे भारत को हम स्वच्छ रखेंगे और भारत में हम स्वच्छता स्तरों को उन्नत बनाएंगे तथा खुले में शौच प्रथा से मुक्त, स्वच्छ एवं साफ सुथरा हम भारत को बनाने का काम करेंगे। महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के कई एक उद्देश्य हैं, एक नहीं कई एक अनेकों उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के हैं। और महोदय, उसमें 2019 तक तो स्वच्छ भारत हम बनाना चाहते भी हैं और उसके अलावे हम पूरे देश को भी जागरूक करना चाहते हैं, और इस पर किसी पर दोषारोपण कर करके हम नहीं कर सकते कि भारत की सरकार क्या कर रही है, राज्यों की सरकार क्या कर रही है। इस देश के 125 करोड़ जनता को इसके लिए आंदोलित होना पड़ेगा और स्वच्छ भारत मनाने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, तब यह भारत स्वच्छ बनेगा और महात्मा गांधी के सपनों को हम साकार करने का काम कर सकेंगे। महोदय, आज भी पेयजल की जहां तक बात है, शुद्ध पेयजल आज भी शहरों की बात तो अलग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है और आज भी लोगों को कुएं के पानी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और जहां तक अगर चप्पाकल भी है तो कहीं 20 फीट, कहीं 40 फीट, कहीं 60 फीट के चप्पाकलों को, यानी शुद्ध नहीं अशुद्ध पेयजल को पीने के लिए बाध होना पड़ रहा है, और इससे कई एक बीमारियां हो रही। आज अगर पेटों के रोग अगर लोगों को हो रहा है, कई एक बीमारियां हो रही है, तो चिकित्सकों के पास जाइए तो चिकित्सक अलग से इसके लिए सजेशन करते हैं कि आप शुद्ध पानी पीजिए, आप आरओ की पानी पीजिए, आप 200 फीट गहराई की पानी पीजिए, लेकिन यह देहात में आज भी इसकी व्यवस्था नहीं है। महोदय, मैं इसके लिए मैं आग्रह करूंगा अपने भारत के सरकार के अपने माननीय मंत्रियों से कि आपने अलग से जो एक अभियान के रूप में इसको लिया है, शुद्ध पेयजल के लिए भी और स्वच्छता मिशन के लिए भी, आप राज्यों को पैसा दे रहे हैं, आप जिलों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप अपने माननीय सदस्यों को भी तो बताइए, इस सदन को तो बताइए कि किस
जिले में कितने पैसे भारत सरकार से जा रही है जो स्वच्छता के लिए भी है और शुद्ध पेयजल के लिए है, इसकी जानकारी न रहने की वजह से उसका जो सही मायने में जो लाभ होना चाहिए महोदय वह नहीं मिल पा रहा है। और आज भी वह झांसे में दे करके पंचायत स्तर पर जो चापेकल गाड़े जाते हैं आज उनका जो मानक है मानक अनुरूप नहीं गाड़े जाते हैं और वह कम में गहराई पर उगाड़े जाते हैं जिसका आने वाले दिनों में भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जो स्वच्छता के लिए बात है महोदय, एक जगह कहीं बन गया तो उसके फोटो खिंचवा करके कई जगह प्रसारित किए जाते हैं, इस पर अपने स्तर से मॉनिटरिंग करने की जवाबदेही भारत सरकार एक दिशा निर्देश देते हुए अपने इसे सदन के सांसदों को दे जिससे कि उस पर हम नजर रखें और आने वाले दिनों में हमें माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर सके और अपने महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था उसको धरती पर उतार करके और देश के 125 करोड़ जनता को उसका लाभ पहुंचाने का काम कर सके। महोदय एक मिनट और मैं आपका समय लूंगा। महोदय यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यह साधारण मैंने स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, इसे शुद्ध पेयजल और स्वच्छता से अपने जीवन का स्वस्थ रहना भी जुड़ा हुआ है। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें स्वच्छ भी रहना पड़ेगा, हमें शुद्ध पेयजल भी पीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी और हमारा हो जाए, सदन के लोगों को हो जाए, बड़े लोगों का हो जाए, इससे देश को कहीं कोई लाभ नहीं। इसके लिए नीचे के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो लोग कुएं के पानी और कम फीट पर गड़े चप्पा कल की पानी पीने के लिए जो बाध्य हैं और आज भी जो वह माताएं और बहनें जो अंधेरा का इंतजार करते रहती है शौच जाने के लिए, उनके लिए इस मिशन को पूरा करना है और इस पूरा करने के लिए हमें देश को आंदोलित करना पड़ेगा और देश के 125 करोड़ लोगों को इसके लिए अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा और तब महात्मा गांधी के सपने साकार होंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आज उद्देश्य है वह पूरा होगा। महोदय आपने यह समय दिया, मैं आपको बधाई करता हूं, धन्यवाद।